एक तरफ वेदों के मंत्रों का उच्चारण और एक तरफ कुरान की आयतें। मौका था उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम का। मुरादाबाद ब्लॉक के सभागार में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समाज के ऐसे परिवारों की कन्याओं और युवाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया जिनकी आय निर्बल वर्ग के अंदर आती है। मुरादाबाद ब्लॉक के सभागार में आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम के अंतर्गत 55 जोड़ों ने अपने अपने धर्म के हिसाब से शादी में प्रतिभाग किया और एक दूसरे के साथ जीने और मरने की सौगंध ली। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शादी अनुदान योजना का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना किया गया है और इस राशि को भी 10,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दिया गया है, जिसके चलते इस मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना का भव्य रूप देखते ही बनता था। मुरादाबाद के ब्लॉक सभागार में आज इस कार्यक्रम में कुछ समय के लिए विघ्न जरूर पड़ा, क्योंकि बारिश ने सारे कार्यक्रम को तितर बितर कर दिया, लेकिन मुरादाबाद ब्लॉक के सभागार में सभी जोड़ों को बैठाने के बाद शादी अनुदान योजना कार्यक्रम को आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे कांट विधायक राजेश कुमार चुन्नू और मुरादाबाद ब्लॉक प्रमुख ठाकुर मनीष सिंह ने सभी जोड़ों को आशीष वचन दिए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के आयोजक जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह द्वारा सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया। वहीं जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने कहा, संस्कार है वो निर्बाध रूप से संपादित हो जाए, उसके लिए हम लोगों ने जो हिंदू जोड़े थे उनका विवाह कराने के लिए इस हॉल में और जो मुस्लिम जोड़े जिनका निकाह होना है वो बगल वाले हॉल में कराया गया है। सबके लिए खाने की भी व्यवस्था की गई है, खाना प्रारंभ कर दिया गया है, दो हॉल में है। तो मैं इसमें ज्यादा समय न लेते हुए व्यक्त करता हूँ, माननीय विधायक जी जिन्होंने विकास का सब्जेक्ट में भी जो आज कार्यक्रम था सामूहिक विवाह का, उसमें अपने हाथ से आपने सभी जोड़ों को ये विवाह का जो प्रमाण पत्र है और जो संस्कार के समय दी जा रही सामग्री है वो दी और आशीर्वाद वचन दिया। उसी के साथ साथ आप वहाँ से पुनः चल करके मुरादाबाद आए और आप सभी नौ दंपतियों के लिए अभी आप प्रमाण पत्र और आशीर्वचन देंगे। तो मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि सर दोनों कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति रही, इसके लिए हम सभी लोग आपके लिए हैं आभारी हैं। जो हम अपने यहाँ के ऊर्जावान जो लोग सचिव जी हैं श्री मनीष सिंह जी, जिनका हमेशा प्रयास रहा है कि एक कार्यक्रम सामूहिक विवाह का, जब भी हमने बात करी प्रमुख जी से आपने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और हम लोग इस तरह का एक आयोजन पूरे नवंबर दिसंबर में करेंगे। उस समय बारिश की भी कोई व्यवधान नहीं रहेगा बरसात का और एक बड़ा आयोजन इससे भी करेंगे और हमारा ये विकासखंड जो है जो रिनोवेट हो गया, सुंदरीकरण हो गया इसका, इसका हम लोग फायदा उठाएंगे और इस पूरे पूरे वर्ष में हम लोग कार्यक्रम यहाँ आयोजित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर राकेश कुमार सिंह ने कहा, आज महत्वपूर्ण दिवस है। कई बार लोग होता है समाज के अंदर ये कहते हैं किसी की बेटी की शादी है और जो इस सामाजिक रचना व्यवस्था शादी में लिफाफा देने का कार्यक्रम बनाया, ये भी एक बहुत बड़ा सामूहिक विषय है, सामाजिक विषय है, जिस कारण से लगता है कि जिस परिवार दो परिवार भी कार्यक्रम कर रहा है उसमें वो आर्थिक थोड़ा बहुत सहयोग कर पाए और उसका थोड़ा भाग जो बाहर हार है लड़की की शादी का उसका निर्वहन कर सके। बहुत सारे समाज में व्यक्ति हैं जिनकी कल्पना होती है मैं अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करूँगा, बेटी की शादी अच्छी तरह से करूँगा और उसमें कई बार परिस्थितियां अनुकूल वो नहीं कर पाता, लेकिन ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण आयोजन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी की सरकार ने किया है। जो गरीब कल्पना करते हैं अपनी बेटी की शादी की करने की और उनके लिए एक अच्छा अवसर सरकार ने यहाँ उपलब्ध कराया है। कांट विधायक राजेश कुमार चुन्नू ने कहा, छप्पन जोड़ों की शादी आज यहाँ कराई जा रही है, लेकिन मौसम जरा खराब हुआ उसकी वजह थोड़ी असुविधा आपको जरूर हुई होगी, लेकिन फिर भी यहाँ के जो अधिकारीगण हैं के व्यवस्थापक हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को निपटाने की कोशिश की है। देखिए उस सरकार का जिक्र भी करना पड़ेगा जरूर जिसने हमें ये सौगात दी है। जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार आई है और केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, बहुत सारी
जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने लागू की, उसमें दो तीन योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उसी क्रम में एक योजना आपकी सामूहिक विवाह कार्यक्रम है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है कि इसमें जो गरीब आदमी है, जो अपनी पुत्री की शादी करने में असमर्थ है, कभी कभी आपने देखा होगा कि शादी करने के चक्कर में पुरानी कहानियाँ आप पढ़ते होंगे कि लोगों की ज़मीनें बिक जाती थी और कर्जा हो जाता था, जिसे उतारने में उसका परिवार कम से कम 10 साल पीछे चला जाता था। आज सरकार ने ऐसी व्यवस्था आपके लिए कर दी है कि कोई भी लड़का और कोई भी बेटी अगर शादी योग्य है तो उसके लिए सरकार ने ये व्यवस्थापन विवाह कार्यक्रम या और भी अन्य योजना चलाई है। शादी के लिए प्रोत्साहन देने की सरकार की योजना है। इसमें आपको 35,000 रुपये का चेक और 10,000 रुपये का सामान और एक मोबाइल और बाकी दावत का वो भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। वीडियो मनीष कुमार के द्वारा कहा गया। मंगल सूत्र में बंधे आप सबके सुखद भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब प्रसन्न रहें, सुखी रहें। शासन की तरफ से आपको इस अवसर पर बुलाया गया और ये प्रयास किया गया। थोड़ा बारिश के कारण बारिश जरूर हुआ, फिर भी जैसा कुछ बन सका हम विकास के परिवार की ओर से आपको आह्वान किया गया। आप लोगों को जो असुविधा हुई बारिश के लिए इसकी क्षमा चाहते हैं, फिर भी एक अच्छा अवसर है, पुनीत अवसर है। सरकार शासन की मंशा पहले क्या होता था कि ये शादी अनुदान में हम लोग पैसा देते थे, लेकिन बहुत फर्जीवाड़े होने लगे पिछली सरकारों में। तो इस सरकार ने यह सोचा कि हम सही पात्र व्यक्ति को चयनित करके और उसको अपने सामने विवाह करा करके इस प्रकार का आयोजन करा करके उन्हें जो भी धनराशि है वो कन्या के खाते में। कार्यक्रम की अध्यक्षता ठाकुर राकेश सिंह ने की व संचालन प्रभारी बीडीओ एसपी सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ठाकुर राकेश सिंह, बीडीओ मनीष कुमार, ग्राम प्रधान मोहम्मद रफी सहित भारी संख्या में अन्य लोग भी मौजूद रहे। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है, जिसमे हमारे यहाँ लगभग 51 जोड़े आज शादी के गठबंधन में बंध रहे, जिसमें लगभग 17-18 जोड़े मुस्लिम, बाकी हिंदू जोड़े। कौन सी योजना है सर ये, और सर इसको मतलब क्या फायदा होने वाला है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कल्याण योजना है, सामूहिक विवाह योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में चल रही है, और ये हर 3 महीने में एक बार होता है। साल हर 3 महीने में एक बार सामूहिक विवाह कल्याण। आज ये सर कार्यक्रम हुआ है, थोड़ा सा बारिश हो गई लेकिन फिर भी काम अच्छा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? बारिश की वजह से थोड़ी सी अव्यवस्था हुई है, जिसमें हमारे जो मेहमान आए हुए हैं उन्हें बैठने में थोड़ी असुविधा हुई है। वैसे हमने हमारे ब्लॉक से समाज कल्याण की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, आपने देखा ही होगा। आप थोड़ा सा इसमें अपने वीडियो में दिखाएँ भी थोड़ी सी व्यवस्था जो व्यवस्थित हो गई। सर जो लोग रह गए हैं शादी के लिए उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, इसका लाभ उठाएँ, इसका फ़ायदा उठाएँ, और बहुत अच्छी योजना है। इसमें 51,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, जिसमें 35,000 रुपये कन्या के खाते में और 10,000 रुपये का उसका जो है दहेज का सामान दिया जाता है, जिसमें एक मोबाइल भी रखा गया, एक दो सोने की चीज़ भी होती है, बिछुए हैं, कपड़े हैं, जो घरेलू उपयोगी आवश्यक सामान वो उसमें रहता है।